नमस्कार दोस्तों, स्टार्सन फोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जमयांग त्सेरिंग नामग्याल के बारे में, जो एक पॉलिटिशियन है जिन्हें जेटीएम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 4 अगस्त 1985 को लद्दाख के माथो विलेज में हुआ था। उनके फादर स्टैंजन डोर्जी है, जो एक कारपेंटर है, और उनकी मदर इशी पुटीत है, जो एक होममेकर है। उनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम त्सेरिंग लामो है। उनकी वाइफ सोनम बांगमो है। उनकी शादी 22 फरवरी 2019 को हुई। जमयांग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ले के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से की। इसके बाद उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। 2019 के जनरल इलेक्शंस में लद्दाख लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए। 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A के रिवोकेशन के पक्ष में लोकसभा में अपनी स्पीच के बाद वो सुर्खियों में आए। पॉलिटिक्स में आने से पहले जमयांग एक टूर गाइड के रूप में काम करते थे। अपने कॉलेज के दिनों में जमयांग जम्मू के ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2013 में उन्होंने अ गिफ्ट ऑफ पोएट्री नामक एक पोएट्री बुक को पब्लिश किया। उन्होंने वर्ष 2014 में लद्दाख के पूर्व बीजेपी एमपी थुपस्तान चेवांग के इलेक्शन कैंपेन को सफलतापूर्वक मैनेज किया। इसके बाद उन्हें लद्दाख के पूर्व एमपी थुपस्तान चेवांग के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी नियुक्त किया गया। 3 नवंबर 2015 को जमयांग को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC के काउंसिलर के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्हें 1 दिसंबर 2015 को जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी के एडिशनल मीडिया सेक्रेटरी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वर्ष 2018 में उन्हें LAHDC में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके अलावा उन्हें 19 जून 2018 को ले में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। 17 जून 2019 को उन्होंने लोकसभा में MP के रूप में शपथ ली। जमयांग शुरू से ही लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड करते रहे हैं। इसके अलावा भी लद्दाख में बोली जाने वाली भोटी लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग भी करते रहे हैं। जमयांग का 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में दिया गया स्पीच इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। लद्दाख के लोगों के पक्ष में इतने स्ट्रांग तरीके से बोलने के लिए उनकी प्रशंसा भी की गई। लद्दाख को एक स्ट्रांग और रेलेवेंट यूटी बनाने की सोच को लेकर भी लोगों द्वारा उनकी काफी सराहना की गई और नरेंद्र मोदी के द्वारा भी उनके स्पीच की प्रशंसा की गई। मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से जमयांग को बधाई देते हुए उनके स्पीच की तारीफ की और उनके स्पीच के वीडियो को अपने ट्वीट में पोस्ट किया। उनके स्पीच के एक दिन के बाद उनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 4500 से बढ़कर 1.28 लाख हो गई। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने भी जमयांग के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी तारीफ की। तो चलिए बात करते हैं जमयांग की हॉबीज के बारे में। तो उन्हें स्विमिंग, रीडिंग और राइटिंग बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जमयांग त्सेरिंग से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।